पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बयानबाजी की जंग जारी है, जिसमें अवाम के हकूक की बात हो ना हो इल्ज़ाम तराशी और तंज़ो मज़ा से भरपूर लतीफ़े ज़रूर सुनने को मिलते हैं। इसी सियासी जंग को आगे बढ़ाते हुए आज कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ़ राजा रियाज़ ने वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि मियाँ शहबाज शरीफ लंदन के सरकारी दौरे पर अपना इलाज करवाने और कारोबार करने गए हैं। मज़म्मत करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ की लंदन में जाने की। वो कोई सूबे के मफाद के लिए नहीं गया और पाकिस्तान की बातें पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। ये भगौड़ा वज़ीर आला, ये कौंसलर वज़ीर आला, ये टोपी ड्रामा वज़ीर आला। मियाँ शहबाज शरीफ, टोपी ड्रामा बंद करो, कौम तुम्हारी दो नंबरियाँ जान चुकी है। शहबाज शरीफ, ये टोपी ड्रामे बंद करो, पूरी कौम के सामने तुम्हारी दो नंबरियाँ आ चुकी हैं, तुम बुरी तरह नाकाम हो चुके हो। वज़ीर आला पंजाब बुनियादी तौर पर काउंसलर हैं, इनकी सोच भी काउंसलर लेवल की है। ये बुनियादी तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ काउंसलर है, मियाँ शहबाज शरीफ काउंसलर है। ये कभी बलदियाती इंतखाबात नहीं कराएगा, क्योंकि इसकी सोच काउंसलर की है। लंदन की बसों में बैठकर पंजाब की ट्रैफिक का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब पंजाब को चलाने की बजाय लंदन में बैठ के पंजाब की सड़कों पर ट्रैफिक देख रहा है, और ये पानी में फोटो बनवाने की बजाय इस दफा इसने आसान हल ढूंढा है, ये लंदन भाग गया है। आखिर में राजा रियाज का कहना था कि कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की मंजी उल्टाई थी, जनरल इलेक्शन में इनकी मंजी ठोकेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन आने दे, जिस तरह कश्मीर में इनका हमने मंजी उल्टी की है, इसी तरह इंशाल्लाह इनकी मंजी ठोकेंगे। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कौम व मुल्क की तरक्की का दम तो भरती हैं, मगर अमली तौर पर इनका किरदार सिफर नजर आता है। मलिक फारूक, न्यूज़ 5, लाहौर।